Also, guys. Hello, wonderful people. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, I am back with another food war for you guys. और इस वीडियो में मैं वर्ल्ड की जाइंट कॉफी चेन्स है उसका रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ, दैट इज स्टारबक्स एंड टिम हॉर्टन्स। और टिम हॉर्टन्स तो अभी कुछ ही महीनों पहले ही इंडिया में आया है, मुंबई में। सो वन इज इन BKC एंड वन इज इन अंधेरी लोखंड वाला। सो मैं उसी का वेट कर रही थी ओपन हो और कब मैं रिव्यू करूँ। एंड फूड वॉर की सीरीज आप लोगों को काफी पसंद आती है जो मैंने अभी तक की है। एंड यस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप चाय पर्सन हो या कॉफी लवर हो। मैं मूडी हूँ, मुझे कभी कभी चाय चाहिए होती है, कभी कभी कॉफी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम पहले रेडी हो जाते हैं, आउटलेट चलते हैं एंड देन उसका रिव्यू करते हैं। सो मेरे पास ये दो ऑप्शन है, मैं कंफ्यूज हूँ क्या वेयर करूँ। राज मॉम, मैं कौन सा वेयर करूँ? जो पहने वही पहन ले। बक इससे अच्छा तो मैं ना इंस्टाग्राम पोल ही डाल देती हूँ, आप लोग ही मेरी हेल्प कर दो। आप लोगों ने भी वही सिलेक्ट किया जो मुझे पहनने का मन था एंड ये टॉप को मिले 56% वोट। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक हैक जो मैंने अपने हैक वाली वीडियो में ट्राई किया था। लिपस्टिक्स में मेरे पास टोटल 8 शेड्स है, 5 न्यू शेड्स है, 2 रेड शेड है और एक पिंक है। सो मैं अब सोच रही हूँ कौन से कलर से हैक करूँ, एक डार्क और एक लाइट लेते हैं। सो ये मैं मामा अर्थ की फेदर लाइट लिक्विड मैट लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ। फाइनली मैंने अपने 2 शेड पिक कर लिए है, वन इज पिंक ऑर्किड जो मैं नीचे के लिप्स में लगाने वाली हूँ और ये हैक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काफी वायरल हुआ था। आप कोई भी कलर ले लो अपने लिपस्टिक का एंड ऊपर नीचे लिप्स पर लगा लो एंड स्मच करो अच्छे से, आपका एक ब्यूटीफुल सा शेड क्रिएट हो जाएगा। लुक एट दैट ब्यूटीफुल पिंक कलर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर फुल लिप्स किए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अपर लिप पे जो मैंने शेड लगाया है दैट इज न्यूड ब्राउन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है एंड मैंने कभी इस तरह से न्यूड और डार्क पिंक लगा के ट्राई नहीं किया है कि कौन सा कलर बनेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लिपस्टिक इज दैट ये बहुत इजिली ग्लाइड तो होती है एंड इट फील्स लाइक लाइट एज एयर। इसका टेक्सचर मुझे काफी अच्छा लगता है, पिगमेंटेड भी है एंड 16 आज तक लॉन्ग लास्ट करती है और क्या चाहिए, टचअप करने की जरूरत ही नहीं बार बार। ये लिपस्टिक लॉन्ग आज तक स्टे करती है विदाउट एनी स्मज। और यहाँ पर मेरे पास है टिश्यू, मैं करने वाली हूँ टिश्यू टेस्ट। सो डैप किया, यू कैन फाइंड नथिंग ऑन दिस। सो आप कहीं पे भी हो, मॉर्निंग से लगा के निकल गए हो, कुछ खा पी रहे हो, यू नॉट नीड टू वरी। ये सारे लिपस्टिक शेड की लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेकआउट करना। अभी तो फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने वाले हैं, आपका कोई भी कलर का आउटफिट हो सबके साथ ये सूटेबल होगी। इसकी कॉस्ट है 499 रुपीज बट यू कैन यूज माई कोड anarka2023, यू गाइज विल गेट 20% ऑफ एट मामाज ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। सो गाइज हम है लोखंडवाला बैक रोड पे, काफी क्लाउडी हो गया एंड सनी भी, एट द सेम टाइम बारिश आ रही जा रही है, बहुत ही प्यारा सा वेदर हो चुका है एंड दिस कॉल्स फॉर अ कॉफी, गुड कॉफी। सो मेरा काम ये चैलेंज के लिए काफी ईजी हो गया है बिकॉज सामने है स्टारबक्स मेरे पीछे और यहाँ पे है टिम हॉर्टन्स। सो मुझे कहीं ज्यादा दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है, दोनों आउटलेट आमने सामने ही है। सो चलो जाते हैं दोनों आउटलेट में, मेन्यू एक्सप्लोर करते हैं और क्या ऑर्डर करना है वो देखते हैं। हाय, आई हैव वन पनीर पफ, जावा चिप एंड वन ऑफ दिस, ये भी एक ऐड कर देना। सो हमने टिम हॉर्टन्स में प्लेस कर दिया ऑर्डर एंड दे गिव दिस काइंड ऑफ बजर, जैसे कि हमारा पार्सल रेडी हो जाएगा तो दिस विल बज एंड वी हैव टू पिक अप आवर पार्सल। सो आई फाउंड दिस वेरी कन्वीनियंट। मैम, डू यू हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कैशियो? नो मैम, राइट नाउ वी हैव ओके ओके सॉल्टेड आलमंड दे हैव एंड हेज़लनट चॉकलेट बाइट्स। गाइज मैं फाइनली घर पर आ चुकी हूँ ये पार्सल्स लेकर। तो पहले मैं स्टारबक्स का आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था। मसाला पोटैटो पफ फॉर 160 रुपीज़, कोटेड चॉकलेट हेजलनट फॉर 156 रुपीज़, आलमंड बिस्कॉटी फॉर 152 रुपीज़, हेजलनट ट्राइंगल फॉर 195 रुपीज़, टॉल जावा चिप फ्रैपेचिनो फॉर 312 रुपीज़।
तो मेरा टोटल बिल अमाउंट हो गया है 1045 स्टारबक्स का। ऑल्सो गाइज मेरी स्टारबक्स में जो है 78 रुपीज की सेविंग हो चुकी बिकॉज राज के पास स्टारबक्स का कार्ड था सो उसमें मुझे 20% ऑफ मिल गया। टिम हॉर्टन से जो मैंने चीजें ऑर्डर की है वो है पनीर पफ फॉर 165 रुपीज और मैंने टिम्बिट्स ऑर्डर किए थे 4 जो मुझे पर पीस हुआ है 37 रुपीज का। जावा चिप आइस फ्रैपेचिनो 325 रुपीज। नट्स एंड सीड्स बार डार्क चॉकलेट एंड सी सॉल्ट 119 रुपीज। क्रंची ग्रेनोला बार क्रैनबेरी एंड ऑरेंज 71 रुपीज। तो मेरा जो टोटल हुआ है 870 रुपीज। पैकेजिंग की बात की जाए तो दोनों को मैं 10/10 रेट करने वाली हूँ बिकॉज दोनों ने मुझे बहुत ही अच्छे से पार्सल करके चीजें दी है एंड ये बैग्स के कोई चार्जेस भी नहीं लिए। अदरवाइज यू गाइज नो कुछ भी हम सामान लेने जाते हैं तो 10 रुपीज या 15 रुपीज तो चार्ज कर ही लेते हैं। अब मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट पैकेजिंग की बात करूँ तो यहाँ पर टिम हॉर्टन्स में जो है मुझे इस तरह से बॉक्सेस दिए है एंड स्टारबक्स की बात करूँ तो मुझे इस तरह से पेपर बैग्स में जो है सारी चीजें डालकर दी हुई है। और कटलेरी की बात करूं तो टिम हॉर्टन्स में मुझे कोई भी कटलरी नहीं दी हुई है। स्टारबक्स में मुझे यहाँ पर 2 स्पून दी है एंड टिश्यू पेपर भी दिए हुए जिसपे स्टारबक्स का यू नो ब्रांडिंग भी किया हुआ है। चलो मैं आपको ये कॉफी टेस्ट करके बताती हूँ। ओवरऑल आई लव दिस जावा चिप फ्रैपेचिनो। इसमें कॉफी ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है सो जिसको कॉफ़ी ज़्यादा पीना पसंद नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छा ड्रिंक है ये बिकॉज इसमें जावा चिप है चॉकलेट है एंड विद अ टच ऑफ लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी। ऑल्सो गाइज मैं खाते पीते हुए आराम से आ रही थी सो जो मेरी लिपस्टिक है वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई एज यू कैन सी ऑन द स्ट्रॉ और जैसे मैंने लगाई थी वैसी की वैसी ही लिपस्टिक है मेरे लिप्स पर। तो मुझे ये मामा अर्थ की लिपस्टिक्स काफ़ी पसंद है एंड ऑल्सो मामा अर्थ का एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव भी है इन विच वेन यू बाई फ्रॉम मामा अर्थ they will link your order on the website to the tree that they plant and by 2025 Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of their initiative. If you spot any Mamaearth store near you, let me know in comment section below. Same hai Starbucks jaisi but ye thoda zyada sugary hai, थोड़ा liquidy ho gaya because isme ice blend tha. Java chip bharpoor hai iske andar, kafi chocolatey drink hai बट मुझे काफ़ी शुगरी लगी एंड कॉफ़ी का तो इसमें कहीं पे भी टच नहीं है। इसमें तो थोड़ा बहुत मीडियम मुझे टेस्ट आ रहा था कॉफ़ी का। तो गाइज कॉफ़ी की बात करूँ तो यहाँ मैं पॉइंट स्टारबक्स को देने वाली हूँ बिकॉज ये कॉफ़ी मुझे बहुत ही ओकेज लगी। टिपिकल जो कॉलेज कैंटीन में या कैफेज में मिलती है कोल्ड कॉफ़ी बेसिक सी वैसी लगी मुझे ये। इसमें थोड़ा बहुत टच तो था कॉफ़ी का एंड जबकि ये वाली काफ़ी महंगी थी, ये 10-20 रुपये कम थी बट पॉइंट इसको जाता है। टिम हॉर्टन से मैं ट्राई करने वाली हूँ ये ग्रेनोला बार। बहुत ही फ्लेकी है, क्रिस्पी है एंड ये टूट भी जा रहे हैं अंदर, इतने क्रिस्पी है। एज द नेम सजेस्ट इसमें क्रैनबेरी और ऑरेंज का भरपूर टेस्ट है। ओट्स भी काफी क्रिस्पी है, फ्लेकी है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये हेल्दी ऑप्शन है अगर आपको इवनिंग में कॉफ़ी के साथ कुछ खाना पीना है तो। सो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ स्टारबक्स से ये आलमंड बिस्कॉटी। इसके अंदर 7-8 पीसेस आते हैं, इस तरह से ये पतली पतली बिस्कॉटीज होती है। थोड़ा स्वीट है, इसमें आलमंड है जो रोस्टेड आलमंड है। ये कॉफ़ी टाइम के लिए भी काफ़ी सही है। मैं इसमें दोनों को इक्वल पॉइंट्स देने वाली हूँ। सो राज को चॉकलेट काफ़ी पसंद है सो मैं सोच रही हूँ ये दोनों का जो रिव्यू है हम राज से लेंगे एंड में। टिम हॉर्टन से मैंने लिया है ये पनीर मसाला पफ और स्टारबक्स से मैंने लिया है मसाला पोटैटो पफ। यहाँ पे मुझे स्टारबक्स से मिले हैं 2 केचप के स्टैशेज और टिम हॉर्टन से मुझे मिले हैं 3 स्टैशेज केचप के जो सेम ब्रांड के हैं। आप स्टारबक्स के पफ का साइज देखिए और ये टिम हॉर्टन्स का पफ है। काफ़ी अच्छा यमी मसालेदार पनीर है, इसमें स्टफिंग है एंड इनका जो ये फ्लेक्स है पफ के वो भी काफ़ी अच्छे, इसे गरम करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ड्राई है, चुई है एंड फ्लेक्स भी एकदम नरम हो गए बिकॉज वो जो है रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। पफ का जो पॉइंट है मैं देने वाली हूँ टिम हॉर्टन्स को। नाउ इट्स टाइम फॉर सम मीठा। मैंने स्टारबक्स से ऑर्डर की है हेजलनट ट्रायंगल और उन्होंने मुझे ये डेजर्ट का पीस है वो इस तरह से पेपर में डाल दिया है जो अंदर से चिपक चुका है, पूरी चॉकलेट भी थोड़ी सी मेल्ट हो गई है बट आई कैन सी द लेयर्स इनसाइड एंड मुझे काफ़ी छोटू सा लगा ये। तो ये हेजलनट ट्रायंगल मुझे काफ़ी ओकेश लगा। इसमें जो है कॉफ़ी चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है एंड ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छी सी है। इसमें थोड़ा सा क्रंच है हेजलनट का एंड अंदर जो लेयर है
आपको अगर दिख रहा होगा, सो ऊपर की लेयर है थोड़ी कैरमलाइज्ड है। ये जो क्रीम डाला हुआ है मुझे पता नहीं क्या टेस्ट है, विप क्रीम है नॉर्मल सा, मुझे लगा कुछ चीज़ क्रीम होगा। एंड मुझे जो ये प्राइस लगा 200 के अराउंड, वो मुझे ऐप नहीं लगा इस छोटे से ट्राइंगल के लिए। सो टिम मॉर्टन्स में ये टिमबिट्स मिलते हैं जो मेरे काफ़ी फेवरेट है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्रेड बॉल जिसके अंदर स्टफिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ पे मेरे पास फ्लेवर्स है चॉकलेट, ब्लूबेरी, कुकी चीज़ एंड कैरेमल क्रम्बल। सो ये रहे छोटू छोटू बॉल्स, दिस इज़ अराउंड 40 रुपीज़ और 37 रुपीज़ ईच। इसमें जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ ब्लूबेरी एंड काफ़ी सॉफ्ट बॉल्स होते हैं ये। एंड इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो अंदर स्टफिंग दिखेगी, काफ़ी माऊ माऊ और बहुत ही सॉफ्ट है खाने के लिए। ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट है, ऊपर से शुगर की कोटिंग है, अंदर ब्लूबेरी भी काफ़ी खट्टी मीठी लग रही है। इसमें मैं पॉइंट्स देना चाहूँगी टिम हॉर्टन्स की टिम बिट्स को, बिकॉज मुझे काफ़ी पसंद है, मैंने खाए भी हुए पहले एंड मुझे वैल्यू फॉर मनी भी लगे। कैमरे के पीछे से लेकर कैमरे के आगे तक ये थी मेरी जर्नी राज आनंदगढ़। भाई साहब मैं जो पीछे तड़प रहा था ना एक एक चीज खाने के लिए, जो रिव्यू दे रही है खा रही है, मुझे मुंह में पानी आ रहा था। सो नाउ वी आर ट्राइंग स्टारबक्स हेजलनट चॉकलेट बाइट्स। पैकेजिंग काफी अच्छी है, पैकेजिंग के अंदर पैकेजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं लगा ये, बिकॉज दिस इज फॉर लाइक 185 रुपीज एंड जस्ट 50 ग्राम्स है इसके अंदर हेजलनट। दो आई लव हेजलनट्स बट मुझे जो चॉकलेट है थोड़ी डार्क लगी, तो हेजलनट के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी मिल्क चॉकलेट होता है यहाँ पे तो अच्छा लगता। सो ठीक है अभी ये भी ट्राई करके देखते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं। दिस इज द डार्क चॉकलेट एंड सी सॉल्ट नट्स एंड सीड बार। दिस इज एक्चुअली गुड, मीठा भी है, सॉल्ट भी है एंड रोस्टेड नट्स भी है जो काफी अच्छे लग रहे खाने में। सो राज से पूछते हैं, राज तू किसे पॉइंट देने वाला है, टिम हॉर्टन्स के नटी बार को या फिर हेजलनट चॉकलेट फ्रॉम स्टारबक्स? मैं पॉइंट देना चाहूंगा टिम हॉर्टन्स को। ग्रेट, मुझे भी वही अच्छा लगा। सो गाइज अब हम बनाते हैं किसी एक को विनर। सो मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा ओवरऑल वो है टिम हॉर्टन्स। I tell you. Congratulations! Woohoo, Tim Hortons! So guys, आज मैंने तो Tim Hortons होते हैं अपने food war के winner. Overall, I love the Tim Hortons because value for money है and coffee उनकी मुझे okay लगी। बाकी सारी चीज़ें full menu, काफ़ी vast varieties है। स्टारबक्स भी मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे उनके कॉफ़ीज काफ़ी पसंद आते हैं। बट लेट मी नो अगर आपको ये जो भी सारे फास्ट फूड चेन्स है या कॉफ़ी चेन्स है उसका मैं फुल मेन्यू ट्राई करूँ आप लोगों के लिए। सो कौन सा ब्रांड होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए जल्द से जल्द। एंड येस आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।